आईपीएल 2025 में हार्दिक को लगा झटका, जाने क्यों एक मैच के लिए हुए प्रतिबंधित। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका चकदे क्रिकेट में। भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का दक्षिण अफ्रीका दौरा उनके लिए अच्छा नहीं रहा। उनसे मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने खराब ऑलराउंड क्षमताओं से सभी को निराश किया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही उनका प्रदर्शन फीका रहा। अब हार्दिक पांड्या को क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। अब क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आईपीएल 2024 का सीजन मुंबई इंडियंस के लिए प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ है। बतौर खिलाड़ी और कप्तान उनकी पूरी टीम बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। उनके फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से उन्हें जमकर ट्रॉल किया गया। आईपीएल 2024 का समापन पांड्या के नेतृत्व में मुंबई इंडियंस ने अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर किया। इससे पांड्या की कप्तानी और उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। आईपीएल 2025 की शुरुआत हार्दिक पांड्या के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने उन्हें पहले मैच के लिए बैन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो अगले साल के ओपनिंग मुकाबले में बेंच पर बैठेंगे और खेल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। पांड्या के बैन का क्या कारण है, चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2024 के अंतिम लीग मैच में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने एक बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा हार्दिक पांड्या को भुगतना पड़ा। दरअसल मुंबई इंडियंस अपनी पूरी गेंदबाजी 20 ओवर के भीतर नहीं फेंक पाई थी, और इस नियम उल्लंघन के लिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने पांड्या पर एक मैच का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही उन्हें 30 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। ये तीसरी बार था जब मुंबई इंडियंस ने ऐसा किया, जिससे टीम के कप्तान पांड्या को इस सजा का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या अकेले नहीं है जिन्हें आईपीएल में बैन झेलना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को भी स्लो ओवर रेट के कारण एक मैच के लिए बेंच पर बैठना पड़ा था। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को भी एक मैच के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आउट करने के बाद गलत व्यवहार करने पर कार्रवाई की गई। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का आयोजन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब में होने जा रहा है। इस ऑक्शन में कई प्रमुख खिलाड़ी जैसे ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और डेविड वार्नर पर बोली लगाई जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।